Good morning everyone. How are you this morning? I hope you all are fit and fine. This is Indu Gupta and today I'm going to tell you a story about a little girl, Tina and Buddy. Okay? Tina and Buddy की मैम आपको स्टोरी बताने जा रही है एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. सो किड्स, वी यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ्स. ओके, इन आवर हाउस, हमारे हाउस में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं एंड उन इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट से हमें कैसे सेफ रहना है. ओके, कुछ सेफ्टी रूल्स आपको इस स्टोरी के थ्रू मैम बताएंगी. सो शी इज टीना एंड हिज बड़ी. बड़ी क्या होता है? फ्रेंड होता है. ओके, वन डे टीना एंड बड़ी वर प्लेइंग इन द हाउस. दोनों प्ले कर रहे थे. ओके, दे वर प्लेइंग हाइड एंड सीक. ओके, एक बंदा छुप जाता है एंड दूसरा उसको सर्च करता है कि कहाँ पर छुपा है. ओके, दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं. सो क्या होता है, टीना की टर्न आती है छुपने की. ओके, हाइड करना होता है उसको खुद को. सो टीना गोज एंड हाइड क्लोज टू द वायर बिहाइंड द रेफ्रिजरेटर. टीना किचन में चली जाती है एंड रेफ्रिजरेटर के पीछे सिट करती है. वहाँ पर क्या देखती है वो? ओपन वायर्स होती है. ओके, नाउ शी पुट हर फिंगर. ओके, वो अपनी फिंगर को ओपन सॉकेट में डालने जैसे ही जाती है, बड़ी उसको देख लेता है एंड बड़ी से स्टॉप टीना, इट इज वेरी डेंजरस, इट माइट हर्ट यू. ये तुम्हें हर्ट कर सकता है एंड कॉज पेन. टीना बोलती है थैंक यू बड़ी फॉर कीपिंग मी सेफ. मुझे सेफ करने के लिए, रखने के लिए थैंक यू सो मच. सो बड़ी उसको बताता है टीना नेवर पुट योर फिंगर इन ओपन सॉकेट. ओके, ओपन सॉकेट में तुम्हें फिंगर्स नहीं रहनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए. टीना कहती है ओके बड़ी, अब मैं ख्याल रखूंगी, ध्यान रखूंगी. ठीक है, सो नाउ टीना एंड बड़ी आर हंग्री. दोनों हंग्री हैं एंड दे बोथ डिसाइड टू ईट सम फ्रूट्स. दोनों कुछ फ्रूट्स खाने का सोचते हैं. सो टीना गोज एंड टीना जाती है एंड स्विच ऑन द लाइट विद वेट हैंड्स. तो बड़ी देखता है एंड स्टॉप करता है, स्टॉप टीना, तुम्हें वेट हैंड से कभी भी स्विच को टच नहीं करना है. ओके, नेवर टच द स्विचेस विद वेट हैंड्स. ओके, फर्स्ट क्या करना है, पहले आपको ड्राई योर हैंड्स यूजिंग अ नैपकिन और टॉवल. पहले टॉवल से अपने हैंड्स को ड्राई करो, आफ्टर देन यू कैन स्विच ऑन द लाइट. ओके, यू कैन टच स्विचेस या कुछ भी. ठीक है, सो टीना थैंक यू बोलती है, थैंक यू बड़ी फॉर कीपिंग मी सेफ. ओके, सो बड़ी बताता है टीना को सो टीना एंजॉयड बीइंग बड़ी. टीना बड़ी के साथ बहुत एंजॉय करती है. नाउ किड्स टेल मी द नेम ऑफ सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के नेम बताइए. आप तो यूज नहीं करते हो बट आपके पेरेंट्स यूज करते हैं एंड आप डेली देखते हो हाउस में. ओके, एंड आपने सुना भी होगा, मम्मा बोलती है कितनी बार आप टच करने को ट्राई करते हो कि मैं भी कर लूँ इसको, बट मम्मा आपको मना करती है, बच्चा डोंट टच इट. ओके, आप अभी छोटे हो, आपको करंट लग सकता है.
होता है ना, ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। एंड आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब भी आप बच्चे ही होते हो पेरेंट्स के लिए, उनको डर रहता है कि आप हर्ट ना हो। सो किड्स लुक हियर, टीना एंड बड़ी को हम साइड में रख देते हैं, इनका काम कंप्लीट हो गया। What is this? This is refrigerator. हम do you know किचन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, तकरीबन 10 to 15 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप किचन में देख सकते हो। इवन गैस स्टोव, जो इंडेक्स गैस स्टोव होता है, वो भी इलेक्ट्रिकल आता है। फाइन, तो दिस इज रेफ्रिजरेटर, दिस इज इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। फाइन, सो दिस इज रेफ्रिजरेटर। एंड वॉट इज दिस? दिस इज वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। एंड वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं, अपने क्लॉथ्स को वॉश करते हैं। सी दिस, दिस इज इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल को भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। एंड इसमें हम क्या करते हैं, वी बॉइल वाटर, मिल्क, एंड हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स को भी बॉइल कर सकते हैं। एंड दिस इज आयरन। ओके, आयरन क्या कहाँ पर करते हैं, अपने क्लॉथ्स पर। फाइन, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। नाउ सी दिस, दिस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। फाइन, दिस इज इलेक्ट्रिक फैन। ओके, ये हमें कूल रखता है समर में, जब हमें हीट होती है उससे बचने के लिए हम क्या स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन। हेयर ड्रायर, आप कहीं जल्दी में हो जाना है, हेयर वॉश किए हैं एंड ड्राई नहीं हुए हैं, तब हम हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी हेयर ड्रायर हो जाते हैं। एंड ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। नाउ ये तो सबका फेवरेट होता है, एंड हो ही नहीं सकता किसी के हाउस में ना हो, बल्कि एक से ज़्यादा होते हैं, जितने रूम्स होते हैं उतने ही ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उनके घर में होता है। एंड दिस इज टेलीविजन। ओके, एक पल भी एक दिन भी आप देखे बिना नहीं रह सकते हो, सो टेलीविजन भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर। एक तो होता है मोपिंग एंड ब्रूमिंग आप हैंड से करते हो, बट इलेक्ट्रिसिटी से भी एक ऐसी मशीन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है एंड आपके पूरे हाउस को क्लीन कर देती है, जैसे कहीं पर वेब लगा हुआ है, डस्ट जमी हुई है। एंड दिस इज वैक्यूम क्लीनर। सोफा एंड ये सब क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज होता है। दिस इज वैक्यूम क्लीनर। ओके, दिस इज माइक्रोवेव। यू कुक योर फूड, यू मेक पिज़्ज़ा एंड और क्या होता है, आपकी फेवरेट होती है जो केक्स, केक्स बनाते हो आप, इडली बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें। एंड फूड को गर्म करने में तो ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। सो किड्स, दीज आर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे होते हैं और भी जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो इनके कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं। ओके, नेवर टच ओपन वायर्स, ओके, सॉकेट्स विद वेट हैंड्स, एंड नेवर पुट योर फिंगर्स इन सॉकेट्स। आपको फिंगर्स भी सॉकेट्स में नहीं रखनी है। ओके फाइन किड्स, सो दीज आर द सेफ्टी रूल्स एंड यू हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स। विल यू फॉलो? मैम की बात मानोगे ना आज ही से? मम्मा को परेशान नहीं करोगे? ओके, वेरी गुड बच्चास, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज सेफ्टी रूल्स। ओके,
आप फॉलो करोगे तो आप ही सेफ रहेंगे, ठीक है? So kids, I hope you enjoyed today's class. Now class is over. Bye bye. Take care of yourself and your family. Love you, bachas.